पंचायत छिंदा, तहसील हर्रई और जिला छिंदवाड़ा के इस विकास मॉडल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज आइए आपको बताते हैं सांसद निधि से बनाया गया विशाल कला मंच जो पूरे देश दुनिया में नाम कमा रहा है। आप देख सकते हैं ऊपर इसमें छत नहीं है और ये कला मंच सांसद निधि के द्वारा बनाया गया है। ये जनता जनार्दन, इस गांव की जनता आज बड़ी आशा और विश्वास से सांसद बनाई थी, लेकिन आप देख सकते हैं इनका जो विकास है, माननीय पूर्व सांसद महोदय का ये विकास, ये एक जगह हमने बताया है। आगे वाले गांव में ऐसा है कि मकान की छत इसमें डाल दिया गया और मकान खुली छत की है, यही मॉडल है। पूरा पैसा गोल कर दिया गया, आगे आप जाएंगे पुलिया दिखेगी लेकिन वो दो हिस्से में टूटी वाली दिखेगी, आगे आपको खम्भे दिखेंगे लेकिन उनमें लाइट नहीं दिखेगी। आज गांव मुड़िया ग्राम पंचायत छिंदा की ये जनता जनार्दन पूछना चाहती है छिंदवाड़ा मॉडल के बड़े बड़े नेताओं से कि आखिरकार जो विकास की गंगा है इस गांव में कब बह के आएगी और आखिर कब ये जनता जनार्दन के प्रधानमंत्री आवास वाले बड़े बड़े घर दिखेंगे। और ये ऐसे विशाल कला मंच, ये देखिए, ये छिंदवाड़ा मॉडल की एक अमूक निशानी है कि ऊपर छत और नीचे ये देखिए क्या बचा है, कुछ नहीं, यही। इसका पैसा आखिरकार कहाँ गया होगा? और पैसा खा के आखिरकार वो नेता लोग सांसद निधि का पैसा खा के इतना कितना अमीर बन गया होंगे कि गरीबों की जेब से पैसा निकाल के खा के कितने मोटे नहीं होंगे। उनको शर्म आनी चाहिए कि आखिरकार गरीब जनता जनार्दन बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालती है और उनके गाँव में आया हुआ कला मंच का सांसद निधि का पैसा ही गोल है। और फिर कहते हैं कि आइए मेरे भाइयों और बहनों, हमें वोट दीजिए, इसके नाम पे वोट दें, ये कला मंच के नाम पे जिसकी छत नहीं बची, जेके नीचे बैठ नहीं सके आदमी है। कला मंच भैया एक लाई बनाते हैं गांव में ताकि गांव नगर की सब विचार मंथन के जो बातें गांव नगर में जितनी भी पंचायती हो वो कला मंच में बैठ के हो और पूरी की पूरी और उसमें सब समस्या का समाधान हो। अब जो कला मंच में समस्या तो समाधान हो वाली नहीं है, कला मंच ही समस्या बन गया है। पीछे जो घर है, घर वाले की कितनी दिक्कत नहीं हो रही हो भैया, आप देख लीजिए, घर के सामने कला मंच है और वो भी बनो तो ढंग को नहीं बनो, और होगा कूड़ा कड़कर बना दो। अरे कला मंच बनते है तो छोटे छोटे बच्चे आके खेलते, वो घर वाले भी खुश रहते। अब कला मंच ऐसो बना है कि न यहाँ बच्चे खेलन वाले न घर वाले खुश है, और मतलब समस्या खड़ी कर दी गई है। ये समस्या का समाधान नहीं हुआ है, ये खुद जीती जाती की समस्या है जो आज फल फूल रही है। यही है सांसद निधि, यही है माननीय फलाने ढकाने सांसद महोदय का विकास, और यही है छिंदवाड़ा मॉडल जो आप हमारी नजरों के सामने देख रहे हैं। स्वागत अभिनंदन करते हुए आज ये ग्राम मुड़िया पंचायत छिंदा की और तहसील हर्रई जिला छिंदवाड़ा के जनता जनार्दन और मध्य प्रदेश राज्य की जनता जनार्दन आपको सेवा जोहार और नमस्कार करती है और ये विकास मॉडल को आपके नजरों के सामने लाते हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ऊपर दिखेगी आपको यहाँ विशाल बिजली, जहाँ पर 24 घंटे लाइट, फ्री लाइट मिलती है, 2 फेज की बिजली, ये है हमारी माननीय सम्माननीय सरकार की बिजली। यहाँ 3 फेज की बिजली नहीं है, यहाँ 2 फेज की बिजली है। और आप जो फ्री दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं बिजली, तो ऐसी हालात है भैया, हालात इतनी गंभीर है, लाइट है ही नहीं है, पानी ढंग की है ही नहीं है, इतनी खतरनाक अवस्था में छिंदवाड़ा मॉडल पड़ रहा है। और धन्य है जिन्होंने इसको गढ़ बनाया और आज पूरा गढ़ गड़बड़ हो गया है। और आज आके वो हमारे सामने कहते हैं विकास विकास, देखिए विकास को वोट दीजिए। अब विकास को वोट दें जो विनाश को वोट दें, दूर दूर तक विकास और विनाश, विकास तो नहीं देखने के लिए, लेकिन यहाँ आपको विनाश जरूर दें। तो देखा ही नहीं जा रहा, जो फर्श से जो समस्या आए जा, यहाँ जो है एक लाई करत रहे कि भैया यहाँ बैठ है चर्चा कर रहे, अब आदमी यहाँ कहाँ बैठ जाए, बता दें। जो समस्या बन गई है, समाधान बनने की जगह समस्या बन गई है। जहाँ फर्श में बैठ कर जनता जनार्दन पंचायती करे का है, जो मैं बताऊँ छोटे छोटे लड़का बच्चे आके खेलते, लेकिन यहाँ खेलन की बात के हाथ पर तोड़ ले, यहाँ ढंग से पलस्तर नहीं भाव। भैया जो विकास है ग्राम पंचायत छिंदा तहसील हर्रई का, अगर समय में नहीं सुधरा तो हम यही अपील कर रहे हैं भैया, नेता बदलो। अगर लाइट खराब हो जाए तो लाइट बदल दे रहा है, सड़ फट जा रही तो सड़ बदल दे रहा है, पेंडिंग में अभी है। तो देखिए विशाल टंकी पानी का, इतना बेहतरीन साधन, हर जनता जनार्दन को आसानी से पानी मिल सके, इसलिए ये टंकी देखिए उल्टी करके बारिश का पानी भरने की कोशिश किया जा रहा है। और ये टंकी देखिए टंकी विराजमान है अपने सिंहासन में, छिंदवाड़ा मॉडल का सिंहासन में विराजमान पानी की टंकी, और उड़ता हुआ खम्मा जहाँ पक्षी बैठेंगे, लेकिन टंकी नहीं बैठ पाएगी। बड़ा गजब का विकास है भाई साहब,
चलो अब हम दिखाते हैं छिंदवाड़ा मॉडल। अब ये छिंदवाड़ा मॉडल का आज उल्टा नमूना, पानी की कितनी समुचित व्यवस्था और नीचे पड़ी टंकी बता रही है। लोक निवास यांत्रिकी विभाग जबलपुर मध्य प्रदेश घर घर से जल। अब जो जल जीवन मिशन जो आओ है ना, जो देखो वो जल जीवन मिशन उल्टा लटका, ये उल्टा लटक गया यहाँ टंकी। यहाँ खम्मा तो गड़ो है लेकिन पानी नहीं। वो गौरकली योजना का नाम चांद रो नल योजना ब्लैक हर रही बोर भी है का। अब बोर ही नहीं है, पानी कहाँ भर ले अभी। ये विकास मॉडल कहाँ पानी जाएगी टंकी में देखिए, बोर नहीं है। खम्मा जो है इसमें मतलब का नमूना है। और यहाँ की हमारी जनता जनार्दन जो यहाँ आए हुए नेताओं को वोट देती है उनका विकास देखिए। आज ये विकास है कि आज भी जनता वोट दे दे के इनका अमीर और नेता हेलीकॉप्टर में जमीन में चलन वाले इनका हेलीकॉप्टर मोड़न वाले बना दे रही है। और वो जनता आज भी वही है जहाँ आज से 50 साल पहले थे। ऐसा विकास छिंदवाड़ा का विकास मॉडल। और आज देखिए जनता जनार्दन वोट दे दे के मोटे मोटे नेता बना दे रही है, लेकिन आज उनका घर भी वैसा ही है। ना यहाँ सरकार विकास कर रही है, हर परिवार को हर परिवार को प्रधानमंत्री आवास। यहाँ प्रधानमंत्री आवास है क्या? गिरते बारिश में पानी में जीने पे मजबूर आज ग्राम छिंदा ग्राम पंचायत छिंदा हर रही की जनता जनार्दन अमरवाड़ा विधानसभा की जनता। आज देखिए ना घर बन पाए हैं ना पानी आज कभी कागजों में पानी आता है, इसके लिए पैसा कम हुआ है। 6-7 महीने से यहाँ पानी नहीं आया भैया, यहाँ पानी आओगे जी। आ रहा हूँ ये नल जल योजना, हर घर पानी सबकी प्यार बुझेगी। अच्छा बताओ यहाँ पर पानी कितने समझ रहे? आप दूर हो ना भैया थोड़ा सा, पानी बस लगा बस दी है, ये लगा बस दिए है ना। और वो टंकी तो हो गए लगा 8 महीने भैया करेंगे। अब हालात इतने गंभीर है भैया, अब मैं बता रहा है ना, अगर कमीज फट जा रही तो कमीज बदल दे रहा है। अब नेता ही फड़ गो जी, देखो 6 महीना से पानी नेता बदलो। अब घर देखो यहाँ, अब घर उसको दिखाओ जरा थोड़ी, ये विकास मॉडल। अच्छा प्रधानमंत्री आवाज में तुम्हारे घर नहीं बनाओ? नहीं आ रहा जी। देखो यहाँ लोग रहेंगे कैसे? यहाँ पे बता रहे प्रधानमंत्री आवाज के जितने करोड़ों लोगों का घर बन गया, लेकिन आज भी इनका घर कहा नहीं बना। पूछती है ये ग्राम छिंदा और हर रही ब्लॉक और अमरवाड़ा विधानसभा की जनता जनार्दन, आखिर तक कब बनेगा ये विकास? ये है विकास ग्राम मुड़िया पंचायत छिंदा और तहसील हर्रई। ये जनता जनार्दन का ये प्रधानमंत्री वाला आवाज। यही नहीं, आप ये देख लीजिए आली पट्टी में और जो बाजू में हमने विकास दिखाया कला मंच का, यही हाल है। अगर ये हाल सुधारना है तो एक ही काम है, जवाब विधायक बदलो। ऐसा विधायक चाहिए जो पहले आए और इनको जवाब दे। अगर जवाब नहीं दे सके तो उन्हें वोट देने भी कोई मतलब नहीं है। वोट देने से सिर्फ गुनाह कर रहे हैं। अगर वोट दे रहे हैं अच्छे व्यक्ति दीजिए जो इन सब चीजों के लिए काम कर सके, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। इतनों वोट ले लेके आगे बढ़ जा रहा है और फिर कह रहे हैं कि हम तुम्हारा विकास कर रहे हैं। जो विकास पानी नहीं आ रहा यहाँ, नल जल इतो बिल्कुल फैक्ट में जितो तो पानी में पैसा खर्च नहीं हुआ, वो तो प्रचार में पैसा खर्च करते नल जल को, कागज में पूरा पानी कागज में। 6 महीने से यहाँ की जनता ने ये नल का पानी नहीं पिए, ये टंकी बर्बाद है और हालत देखिए गांव का, यही विकास है। और फिर विधान ये सांसद निधि का विकास दिख रहा है, यही है भैया छिंदवाड़ा आपके नजरों के सामने, यही हकीकत है ग्राउंड की। अगर इसको सुधारना है तो सत्ता परिवर्तन जरूरी है, नेताओं का बदलाव जरूरी है। गरीब का बच्चे को आगे बढ़ा के नेता बनाइए जो इन समस्या से जूझा हुआ। रावण भैया संघर्ष करो, हमारा नेता कैसा हो? रावण भैया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? या तो वोट ही ना दें या वोट दे रहे हैं, इन सारी चीजों में काम होनी चाहिए। सम्मानित साथियों आज देखिए, अब से जनता ने कई दिन से शिकायत कर करके बैठे होंगे। पटेल साहब आपसे पूछना चाह रहे थे,
जी पटेल साहब। अरे भाई एक सही आप ही सब पटेल। अच्छा मेरे को बताइए इस गांव में आपका नाम क्या पूरा? जगदीशपुर साहब। जगदीशपुर साहब जी, देख रहे हैं आप यहाँ पर पानी नहीं आई इतने दिन से, है ना? तो और भी बहुत सारी समस्या होगी यहाँ पर, क्या क्या बहुत समस्या है? रोड की समस्या है, रोड की पहली चीज। एम्बुलेंस पहुँचती है यहाँ? ये देखिए विकास, निःशुल्क एम्बुलेंस लौट जाती है। और अब वो सब छोड़िए, एम्बुलेंस में भी अब आ रही है हेलीकॉप्टर वाली एम्बुलेंस। यहाँ दो चार पैर वाली एम्बुलेंस नहीं पहुँच रही, अब हेलीकॉप्टर वाली कहाँ पहुँच जाए भैया? यार एम्बुलेंस चालू होने वाली दादा, यार मतलब हवा में उड़ेगी एम्बुलेंस। और यहाँ जमीन हालत इतनी गंभीर है, अब यहाँ पानी बिजली इतनी समस्या है, घर द्वार आप देख ही रहे हैं, और स्कूल है क्या यहाँ पर? कितने माह से बात हमें? दो माह से। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 25 तक लगभग। अच्छा यहाँ पर जो है अपन देख रहे हैं, मैं तो पत्रकार नहीं लेकिन अपन देख रहे हैं। अच्छा अस्पताल में कहाँ जाते इलाज कर लो? हर रही कितने दूर यहाँ से? यार जो 30 किलोमीटर दूर जा रहा है। हालत जो गंभीर है। कौन सी मॉडल? ये पर मॉडल देखे, कितना गंभीर हालत है। थोड़ा पीछे रहना आप। मॉडल समय है यहाँ मकान उड़ गया, लेकिन पटवारी ने सर्वे तक नहीं किए। देखिए वो पीछे का मकान उड़ गया है ना, इसका इनको मुआवजा मिला ना, पटवारी साहब सर्वे करने आए तो भैया कहीं के कहा पटवारी बन जा रहे हैं दादा। जब बन नहीं रहा काम तो जनता जनार्दन के घर उड़ जा रहा है, उदय को घर ही नहीं बचू। अब कहाँ रहे? तो इनके लिए रहन की व्यवस्था पंचायत में होती है। अगर ऐसी परिस्थिति घटती है पंचायत में व्यवस्था करते, खान पीनों को भोजन लाके ग्राम के जो सचिव है और पंचायत और पटवारी लाके व्यवस्था करते हैं। लेकिन जब घर ही उड़ो कहाँ रहे? तो आदमी क्या क्या कर रहे हो? जो विकास चल रहा है यहाँ पर आज देखिए, जो पूरा गाँव आप देख लेना, यही गाँव का विकास चल रहा है आज। शेड्यूल एरिया पूरा आदिवासी क्षेत्र है, पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है। यहाँ पर पेशा कानून लागू है। पेशा कानून लागू होने के बाद भी यही इसी हालात में जी रही है यहाँ की जनता जनार्दन। पेशा कानून होते हुए यहाँ का पेशा खाया जा रहा है, पेशा खा ले रहा है। अब क्या बताएं अब जो हाल है। तो सम्मान्य साथियों आपने देख चुके हैं छिंदवाड़ा, पूछो उनका बयान लो वाला लो ना। ये ना हाँ बोल देना, मकान नहीं बन रहा हो तो फिर उन्हें बोल दें। भैया जी जो मकान जो पीछे को हटो तो वो कोई हटो वो अब पहले पानी में जो तूफान आ तो भाई मोड़ो पटवारी ना बता कहाँ रह रहता ये तो छत में बाजू में रह रहा पीछे उतर। हालात बुरी है अभी, छोटे छोटे बच्चे पढ़ाए कहाँ है, कैसो जीवन बीत, हालात इतनी गंभीर है। आप कौन चिंता फिक्र कर रहे हैं भैया? कैमरा उंगली जा रही है तुम्हारी, कौन चिंता फिक्र कर रहे हैं जनता जनार्दन? अगर नेता अगर चिंता फिक्र नहीं करन को तो भैया फिर कोई मतलब नहीं है जनता। पटवारी पटवारी की ऐसी तैसी कर रहे हैं, वही कलाई बोल रहे हैं विधायक बना है ना, इनकी तो पूरी घोटाले के बाद जो बैठे लोग हैं पैसा खा खा के मोटे हो गए, इन सबकी हालत खराब करें। नेता ऐसा हो जो गाँव गाँव आके देखे की आखिरकार चल क्या रहा है। और जो तो कम है जी, कई ऐसे गांव घुसे जहाँ तो ये रोड भी देख रही है आए तो गड्ढा, आदमी अगर मोटरसाइकिल भी चलाए तो मुंह फोड़ ले जा रहा, घटना तोड़ ले। ऐसे ऐसे गांव यही पर है, इतनी हालात में जी रही जनता जनार्दन। यही निवेदन करते हैं कि छिंदवाड़ा विकास मॉडल को सुधारने के लिए आइए, परिवर्तन करवाते और विश्वास में लोगों को आगे बढ़ाते।